नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह का प्राइम टाइम पॉपुलर शो 10 का दंगल। आपके साथ मैं हूं करिश्मा, जिसमें हम बयानों के साथ साथ उन विवादों के बारे में भी बताते हैं जिसको लेकर इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। नमस्ते, सुप्रभात, मैं रोहित पोखरियाल आपके साथ। आइए जल्दी से आपको बता देते हैं चार कौन सी खबरें रहने वाली है जिस पर 10 का दंगल में हम आपको अपडेट करेंगे। देखिए, पहले सबसे बड़ी खबर, आतंक का फन कुचलने के लिए एक बार फिर से एनआईए बहुत एक्टिव हो गई है। सुबह से ही खबरें ये कि एनआईए 50 से अधिक जगहों पर ताबड़तोड़ दबिश दे रही है और आतंकी नेक्सस को तोड़ने और उसको खंगालने के लिए एनआईए की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आपको याद होगा, तड़के पीएफआई को बैन करने से पहले कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एनआईए कितना एक्टिव था, और एक बार फिर से दिल्ली हो, पंजाब हो, एनसीआर के इलाके हो और आसपास के तमाम राज्यों में एनआईए एक बार फिर से बहुत एक्टिव है। क्या कुछ घटनाक्रम मचा हुआ है वो आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि आज गुजरात दौरे से निकलने से पहले एक बार फिर से मनीष सिसोदिया ने एक बार ऐसा बयान दिया जिसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत इस वक्त गर्मा गई है। मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से बीजेपी पर आरोप लगाया कि जो तमाम एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। एक बार फिर से सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पर उन्होंने सवाल उठाए। ये कहा कि शराब घोटाले में तो कुछ हुआ ही नहीं था, भ्रष्टाचार का नाम भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें फंसाया जा रहा है क्योंकि गुजरात चुनाव नजदीक है। ऐसे में बीजेपी डर गई है और यही वजह है कि सीबीआई और ईडी को सामने कर रखी है। उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई ने उन्हें ऑफर दिया था सीएम बनने का, हालांकि बाद में सीबीआई की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी होता है और मनीष सिसोदिया के सारे आरोपों को बेबुनियाद साबित किया जाता है। सवाल ये है कि आखिर सियासत में केंद्र एजेंसियों को क्यों बदनाम किया जा रहा है, इस पे हम आगे विस्तार से रोहित बात करेंगे। इससे आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे तेजस्वी यादव के, लालू के लाल जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उत्तेजित नजर आए क्योंकि जमानत पर पहले ही वो बाहर है, आईआरसीटीसी का घोटाला है और आज उनकी सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेशी है। दरअसल उद्वेलित होकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच कुछ बातें उन्होंने रखी और जिसे धमकी माना गया है। और पहली शर्त क्या होती है अगर आप किसी जुर्म जमानत से बाहर आए, कि आप धमकाएंगे नहीं, और कहीं ना कहीं धमकियां यहां पर दी है। लालू के लाल इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर क्या कुछ माहौल है वो आपको बताएंगे। चौथी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां ऑपरेशन ऑल आउट के चलते जो आतंकी हैं वो काफी ज्यादा बौखला गए और यही वजह कि अब उनकी बौखलाहट निकलकर सामने आ रखी है। जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनको निशाना बना रखे हैं, टारगेट किलिंग पर उतारू हो गए हैं। यही वजह है, बताया जा रहा है कि दो मजदूरों की हत्या कर दी गई। आपको बता दें, मजदूर सोचिए सो रहे थे, उन पर ग्रेनेड से हमला किया गया और फिर गोलियां दागी गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकियों में कितनी ज्यादा बौखलाहट है, लेकिन सुरक्षा बलों ने अपने मंसूबे साफ कर दिए कि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों पर कड़ा प्रहार किया जाएगा। तो ये चार बड़ी खबरें हो गई, जल्दी से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 10 के दंगल का आगाज करते हैं बड़ी खबर। एनआईए जो है आतंकी लिंक्स को लेकर लगातार छापेमार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। जानकारी ये है कि 50 से अधिक जगहों पर एनआईए की टीम इस वक्त मौजूद है, छापेमार कार्रवाई जारी है गैंगस्टर और उनके गुर्गों पर एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखी है टेरर लिंक को लेकर एनआईए की छापेमारी। 50 जगहों पर टेरर लिंक को लेकर यह छापेमारी हुई है, गैंगस्टरों और उनके गुर्गों पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्यों में यह छापेमारी चल रही है। दिल्ली के बवाना और ताजपुर में रेड हुई है लगातार। देखिए, एनआईए इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। एनआईए आपको बता दें कि 50 जगहों पर जहां जहां पर इनपुट्स मिले कि इनके कनेक्शन हो सकते हैं टेरर लिंक से, उनको खंगाला जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है और उन पर कार्रवाई हो रही है। और पिछले कुछ वक्त में पीएफआई का आतंकी कनेक्शन जो सामने आया, उसके बाद देखिए ये कोई ऐसा मामला तो है नहीं कि एक कार्रवाई कही उसके बाद एनआईए चुपचाप बैठ जाएगी। लगातार जो लोग कस्टडी में थे उनसे पूछताछ हुई और अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी आपके पास, बहुत एक्टिव एक बार फिर से एनआईए। देखिए रोहित, एनआईए तकरीबन डेढ़ महीने के बाद एक बार फिर एक्टिव हुई है। आपको याद होगा डेढ़ महीने पहले भी एनआईए ने देश भर में छापेमारी की थी और कई जगह से लोगों को गिरफ्तार किया था और कई जो है वो हथियार भी बरामद किए थे। अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब और इसके साथ साथ राजस्थान में इस समय एनआईए की रेड चल रही है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में बवाना और ताजपुर में एनआईए की इस समय रेड चल रही है। बवाना में नीरज बवाना का घर है और ताजपुर में टिल्लू ताजपुरिया का घर है। इसके अलावा छेनू गैंग, हाशिम बाबा गैंग, कौशल चौधरी गैंग
और राजेश बवाना गैंग, तमाम ऐसे गैंग है। टिल और बात की जाए अगर जितेंद्र गोगी, हालांकि जितेंद्र गोगी की मौत हो चुकी है लेकिन उनके गुर्गों पर भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। नीरज बवाना की अगर मैं बात करूँ तो रोहित आपको याद होगा कि पिछली रेड में नीरज बवाना के घर से अवैध हथियार बरामद हुए थे, बुलेट प्रूफ गाड़ी बरामद हुई थी, कई और आपत्तिजनक सामान बरामद हुए थे, जिसके बाद बवाना पुलिस ने FIR दर्ज कर नीरज बवाना के पिता को अरेस्ट कर लिया था आर्म्स एक्ट में। इस समय नीरज के बवाना और खुद नीरज जेल के अंदर मौजूद है। उनके बाद PFI पर जब बैन लगाया गया था तो कई लोगों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है। उनसे पूछताछ के बाद आज एक बार फिर NIA पूरे देश भर में एक्टिव हुई है, 50 से ज्यादा जगह रेड चल रही है और अब ये देखने वाली बात है कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ये कार्रवाई चल रही है। रजनीश, और इसी कड़ी में एक जो बड़ी खबर है वो ये कि पटना में भी NIA की छापेमारी चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर फुलवारी शरीफ में जानकारी मिल रही है कि NIA ने दबिश दी है। दो जगहों पर NIA की छापेमारी, टेरर फंडिंग का ये पूरा मामला जहां पर ये छापेमारी चल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको याद होगा बिहार के फुलवारी शरीफ में किस तरीके से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने को लेकर जो पूरा मॉड्यूल था उसको ब्रेकडाउन किया गया था। रजनीश हमारे साथ है। रजनीश, पिछले कुछ वक्त में हमने देखा तस्वीरें, देखिए लगातार जो मिल रही है वो आपको दिखा रहे हैं। ये तेजस्वी यादव की तस्वीरें हैं, उनकी कोर्ट में पेशी आज है। ये खबर भी लगातार हिंदुस्तान आपको दिखा रहा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव और CBI की स्पेशल कोर्ट में आज उनकी पेशी, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी धमकियां दे दी थी, कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसके बाद उनकी पेशी। अभी अंदर जाते हुए तेजस्वी यादव की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, चार तस्वीरें आपके सामने। दरअसल आपको याद होगा IRCTC घोटाला, जिसमें ये कहा गया कई प्रॉपर्टीज जॉब्स के बदले उनसे प्रॉपर्टीज मांगी गई, जमीनें मांगी गई, और उसी क्रम में इस खबर पर भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन जिस बड़ी खबर पर हिंदुस्तान बना हुआ था, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी लगातार एक्टिव है। आप देखिए पटना में भी फुलवारी शरीफ में दो जगहों पर इस वक्त दबिश चल रही है। रजनीश हमारे साथ है। रजनीश, फुलवारी शरीफ में पहले भी कई गिरफ्तारियां हुई थी, अतर परवेज की गिरफ्तारी हुई थी, उसके साथियों की गिरफ्तारी हुई थी, और एक बार फिर से फुलवारी शरीफ में NIA का बड़ा एक्शन। लगातार देखिए बड़ी खबर आपको बता रखी है, NIA जिस तरीके से छापेमारी कर रही है, और इसी कड़ी में जो रोहित बड़ी खबर है लगातार शोपिया की बात कर लेते हैं, जहां पे लगातार टारगेट किलिंग्स हो रही है जिसका जिक्र आप कर रहे थे। आपने ठीक कहा, ऑपरेशन ऑल आउट के चलते आतंकी किस तरीके से बौखला गए हैं वो भी तस्वीर हम देखने को मिल रही है। और देखिए जम्मू कश्मीर से खबर जहां पे शोपिया में एनकाउंटर जारी है, इस वक्त की बड़ी खबर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आतंकियों में बौखलाहट इस कदर की अब टारगेट किलिंग पर उतारू हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एनकाउंटर फिलहाल जारी है, सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है और इनके जो कायराना हरकत है, इनके जो मंसूबे हैं, उन पर पानी लगातार सुरक्षा बल फेरते हुए नजर आ रही है। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे, दोनों ओर से इस वक्त मुठभेड़ जारी है, फायरिंग दोनों ओर से हो रही है। और कल ही आपको बता दे दो प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई थी, उसके बाद से एजेंसी बहुत ज्यादा एक्टिव। मजदूरों पर देखिए लगातार हमला किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर लगातार आपको बता रखी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां से खबर, दो प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी गई आतंकियों की तरफ से। आपको बता दें इस कायराना करतूत को अंजाम दिया गया, बाकी आतंकियों की तलाश फिलहाल की जा रही है। पुलिस ने हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। मुनीश और सागर की मौत हो गई है, मारे गए दोनों मजदूर उस वक्त आपको बता दें सो रहे थे, उन पर ग्रेनेड से अटैक किया गया और फिर उसके बाद गोलियां दागी गई है। ये कायराना हरकत थी जो आतंकियों ने अंजाम दी थी, और अब जानकारी ये है कि उन तमाम आतंकियों को मूवमेंट को लगातार देखा जा रहा था, उन्हें एक इलाके में लिमिट कर दिया गया है। एनकाउंटर मौके पर जारी है, शोपिया हो, साउथ कश्मीर हो, यहां पर अभी भी जो मिलिटेंट्स हैं वो यहां पर लगातार अपना सर उठा रहे हैं, और उसी फन को कुचलने के लिए एजेंसीज बहुत ज्यादा एक्टिव, सर पे कफन बांधकर हमारे वीर सपूत ग्राउंड पर उतरे हुए हैं। इसी से जुड़ी एक खबर है, नजर डालिए रिपोर्ट पर। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने एक बार फिर से बाहरियों पर हमला किया है। बीती रात करीब 12:30 बजे आतंकियों ने शोपिया में दो लोगों पर हैंडग्रेनेड से हमला किया। इन दोनों को शोपिया के जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दोनों की मौत हो चुकी थी। मारे गए दोनों लोग उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले थे, ये लोग शोपिया में मजदूरी करते थे। मृतकों की पहचान मोनिश कुमार और राम सागर के रूप में हुई है। हैंडग्रेनेड से हमला करने वाले लश्कर के एक आतंकी इमरान बशीर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे आतंकी की तलाश जारी है। खास बात यह है कि आज ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को शोपिया का दौरा करना था, लेकिन इससे ठीक पहले आतंकी
आतंकियों ने जम्मू कश्मीर से बाहर के दो लोगों की हत्या कर सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती दे डाली है। शोपियां जिले में ही आतंकियों ने 15 अक्टूबर को एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी थी। बीते शनिवार को आतंकियों ने कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट को गोली मार दी थी। साल 2022 में कश्मीर में आतंकी कम से कम 26 लोगों की हत्या कर चुके हैं। इनमें से कई कश्मीरी पंडित हैं तो कई जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्यों से आए लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी कड़ी में देखिए एक बड़ी खबर आपको बता दें जो निकलकर सामने आ रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस वक्त लगातार देखिए सवालों के घेरे में हैं। और बड़ी खबर यह है, तेजस्वी यादव की सीबीआई कोर्ट में पेशी हुई है। वो तस्वीरें भी हमने आपको इससे पहले दिखाई थी। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं तेजस्वी यादव। सीबीआई ने तेजस्वी पर जमानत शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया। आईआरसीटीसी घोटाला जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसको लेकर तेजस्वी यादव मुश्किलों में पड़ सकते हैं। दरअसल नए पद मिलने के बाद जिस तरीके से उनके पर बहुत ज्यादा बढ़ गए, अपनी सभा के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधन के दौरान उन्होंने जिस तरीके से धमकी दी, जिस तरीके की बातें रखी, उसे अब धमकियों के तौर पर देखा जा रहा है। और अब से कुछ मिनट पहले राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं तेजस्वी यादव। और अब यहां पर जिन ग्राउंड्स पर आप जानते हैं, जिन ग्राउंड्स पर जमानत मिलती है, उसमें सबसे पहला ग्राउंड और सबसे महत्वपूर्ण ग्राउंड ये होता है कि अगर आप बाहर जाएंगे तो आप किसी को धमकाएंगे नहीं। और अब जो बातें तेजस्वी यादव ने कही है, लालू के लाल ने कही है, कहीं ना कहीं इससे सीबीआई बहुत ज्यादा लाल हो चुकी है। और अब से कुछ देर पहले राउस एवेन्यू कोर्ट में पहुंच चुके हैं और अब अंदर जो है उनकी जमानत पर जो उनको मिली हुई है उस पर जरा शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा रोहित आपने। और इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव सवालों के घेरे में हैं, मुश्किलें लगातार उनकी बढ़ सकती हैं। फिलहाल आपको बता दें कि पहुंच चुके हैं, पेशी वहां पे हो रही है और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। डिप्टी सीएम बनने के बाद तेजस्वी यादव सीबीआई पर जमकर बरसे थे। 24 अगस्त को पटना, कटिहार, मधुबनी, वैशाली और गुरुग्राम में निर्माणाधीन अर्बन क्यूब्स मॉल में सीबीआई ने छापेमारी की थी। एक दिन बाद यानी 25 अगस्त को तेजस्वी यादव ने धमकी भरे अंदाज में कहा था कि क्या सीबीआई वालों का परिवार नहीं होता, क्या वे हमेशा अधिकारी बने रहेंगे, क्या वे कभी रिटायर नहीं होंगे, सीबीआई अधिकारी रिटायर होकर बिहार ही तो आएंगे। तेजस्वी का यह बयान अब उनके गले की हड्डी बनता जा रहा है। सीबीआई ने आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी यादव को दिल्ली की विशेष राउस एवेन्यू कोर्ट में हाजिर होने को कहा है, जहां उनकी जमानत पर सुनवाई होगी। सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में उनकी जमानत रद्द करने के लिए अर्जी लगाई है। उसी पर सीबीआई के स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर हाजिर होने को कहा है। जिस दिन ट्रस्ट वोट के दिन हर जगह रेड पड़ रहे थे, उसी दिन हमने स्पष्ट कर दिया था कि भाई जब तक ये लोग रहेंगे तब तक इसी तरह का काम जो है चलता रहेगा। कल का तो जो अदालत है उसमें फिजिकल अपेयरेंस के तौर पे हमको बुलाया गया है, तो हम तो जा रहे हैं उस चीज को लेकर। और हम लोगों को कानून पे, अदालत पे पूरा विश्वास है, जो है न्याय मिलेगा। तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी घोटाले में जमानत पर है। सीबीआई का आरोप है कि तेजस्वी ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है, लिहाजा क्यों ना उनकी जमानत रद्द कर दी जाए। ये मामला 2006 का है जब उनके पिता लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि एक निजी फर्म के साथ आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव अनुबंध से जुड़ी कई अनियमितताएं हुई थी। तेजस्वी और उनकी मां राबड़ी देवी को 2018 में इस मामले में जमानत दी गई थी। हम तो न्योता देते हैं सीबीआई इनकम टैक्स के लोगों को, ईडी के लोगों को, आओ मेरे घर में दफ्तर खोल लो। क्या वो हमेशा सीबीआई ऑफिसर रहेंगे? क्या वो रिटायर्ड नहीं होंगे? क्या सत्ता में हमेशा एक ही की सरकार रहेगी? अब ये लोग तो जांच एजेंसी ना बन करके गुंडा में बदल गए, भाजपा के प्रकोष्ठ में तब्दीली हो गई है। अब देखना है कि सीबीआई को धमकाना कहीं तेजस्वी के लिए अमंगलकारी ना साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो तेजस्वी यादव राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं। आईआरसीटीसी घोटाला क्या है? 2004 से 2009 के बीच एक घोटाला हुआ था जब लालू प्रसाद यादव मंत्री थे और नौकरी देने की एवज में कई तरह के फायदे मांगे गए थे, जिसमें तेजस्वी यादव का नाम है, लालू प्रसाद यादव की बेटियों के नाम थे। इसके अलावा आज जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जमानत जारी रहेगी या नहीं रहेगी, जमानत पर सुनवाई होनी है। सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, और देखिए सचिन के साथ, सचिन की तरफ रुख करते हैं। सचिन, कई ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं, जांच प्रभावित करने का आरोप लगा है और इसके साथ साथ धमकाने का भी आरोप लगा है, तो कितनी मुश्किलें यहाँ पे तेजस्वी यादव की बढ़ सकती है।
बिल्कुल सही कहा आपने करिश्मा, देखिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं तब अगर उनकी ये जो जमानत जो लगातार चल रही है अगर वो खारिज होती है तो, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पिछली बार अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई थी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा, वहां पर जब तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम अधिकारियों को लेकर कुछ बातें कही थी, उन्हीं तमाम बातों को आधार मानकर अब सीबीआई की तरफ से कोर्ट का रुख किया गया था और इस बात का जिक्र किया गया था कि जिस प्रभावशाली पद पर इस वक्त तेजस्वी यादव है तो हो सकता है कि जांच में दिक्कतें हों, जांच को वो प्रभावित कर सकते हैं, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जो अगर वो जमानत पर हैं तो वो खारिज हो और वापस से वो जेल में जाएं, तो यहाँ पर उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा आज कितने तैयार तेजस्वी यादव, सचिन आज कितने तैयार, कितने वकील उनकी तरफ से उनकी बातें आज राउस एवेन्यू कोर्ट में रखते हुए सुने जाएंगे? सचिन आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी सचिन, आज की कार्रवाई के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए, कितनी तैयारी के साथ तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, कितने वकीलों की टीम उनके साथ है, आज कैसे जिरह होगी और कैसे जमानत याचिका को आगे रखने के लिए बरकरार रखने के लिए तैयार है तेजस्वी यादव आज? रोहित आपको रोहित आपको बता दें कि जब तेजस्वी यादव जब यहाँ से गेट नंबर 5 से अंदर जा रहे थे तो हमने उनसे बात करने का प्रयास भी किया, लेकिन वो चुपचाप बैठे हुए थे गाड़ी में, उनके बॉडीगार्ड्स मौजूद थे, उन्होंने हमें साइड कर दिया, लेकिन हमारा पूरा प्रयास था कि हम उनसे बात कर सके। लेकिन आपने बात की वकीलों की, तो देखिए उम्मीद ये लगाई जा रही है कि लगभग 2 से 3 वकील जो है उनके पक्ष में यहाँ पर अंदर जो है वो पहुंच चुके हैं, हालांकि उनके साथ जो है कोई भी वकील मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन पूरी उम्मीद हम यही लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक मजबूत तरीके से यहाँ पर उनका जो है वो रखा जाएगा, क्योंकि कल भी हमने देखा था जब वो पटना से दिल्ली की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए मुझे कानून और न्यायालय पर पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो भी फैसला होगा वो सही तरीके से होगा, निष्पक्ष तरीके से होगा, मुझे न्याय मिलेगा। तो इसी बात का जिक्र जो है वो तेजस्वी यादव ने किया है। हालांकि अब देखना यहां पर यह होगा कि अंदर जो है अगर उनके वकील कुछ बातें रखते हैं ऐसी और इसमें अगर फैसला उनके पक्ष में आता है तो आखिर आने वाले वक्त में क्या उसी तल्ख तेवर के साथ क्या तेजस्वी यादव सबके सामने आएंगे, क्योंकि जब से वो डेप्यूटी सीएम है तब से अगर हम बात करें तो एक प्रखर और खास तौर पर तलखी में वो तमाम बयानबाजी जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं। और जैसा कि शुरुआत में मैंने जिक्र किया कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो अधिकारी है क्या वो जीवन भर अधिकारी रहेंगे, क्या जो सरकार अभी है क्या वो जीवन भर सरकार रहने वाली है, नहीं, और ये तमाम अधिकारी बिहार भी आएंगे तो हम देख लेंगे, तो इस बात का जिक्र जब यहां पर डेप्यूटी सीएम ने किया तो उसी को आधार मानकर अब सीबीआई की तरफ से ये एक्शन की मांग है। जमानत रद्द करने पर सुनवाई, इसको लेकर लगातार देखिए अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। सचिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कल हमने देखा कि दिल्ली की सड़कों पर किस तरीके से सियासत गरमाई, दरअसल आम आदमी पार्टी पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और खासतौर से मनीष सिसोदिया। और आपको बता दें कि गुजरात जाने से पहले मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से यहाँ पे बीजेपी को घेरा, सीबीआई और ईडीआई सिर्फ बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, मुझे बुलाने का मकसद सिर्फ डराना था, कल पूछताछ हुई है उनसे लेकिन उन्होंने साफ तौर से कहा कि मुझे डराने का मकसद था, गुजरात रवाना होने से पहले सिसोदिया ने यह कहा है। और पहला रिएक्शन उन्होंने ये दिया था कि मैं गुजरात चुनाव प्रचार में ना जा पाऊं इसलिए सीबीआई ने मुझे बुलाया है। अब देखिए आज वो रवाना हो गए हैं, कल ही अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिया था और आज वो गुजरात रवाना हुए हैं, उससे पहले उन्होंने ये बड़ी बातें कही, ये रिपोर्ट देखिए जरा। कारी नीति से जुड़े सीबीआई के सवालों का 9 घंटे तक सामना करने के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जब मीडिया से मुखातिब हुए तो कटघरे में सीधे सीधे सीबीआई को ही खड़ा कर दिया। साइड में मुझ पे दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो? मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे चलते रहेंगे नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं, 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो मुझे कहा गया कि नहीं नहीं देखो ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको वो लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। फिर मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में हुए घोटाले को फर्जी करार दिया और दावा किया कि ये सब दिल्ली में ऑपरेशन लोटस को कामयाब कराने के लिए किया गया है। जो घोटाला हुआ है सो कॉल्ड, उसके बारे में पूछताछ होनी है, जिसके बारे में बीजेपी बार बार कहती है 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ दिल्ली में, 10,000 करोड़ का एक्साइज घोटाला हुआ। लेकिन आज मैंने सीबीआई में जाके देखा, मैंने देखा कि कोई घोटाला तो वहाँ है ही नहीं,
घोटाले की तो कुछ मसला ही नहीं है वहाँ पे, सारा केस फर्जी है। मैं जानता हूँ सारा केस फर्जी है। और आज मैंने सीबीआई में 9 घंटे की पूछताछ के दौरान, 9 घंटे जो मैं रहा वहाँ पे, वहाँ भी मैं समझ गया कि किस तरह से सारा केस फर्जी है और किस तरह से इन्होंने पूरी साजिश की गई है। आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा, इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। मनीष सिसोदिया के आरोपों को सीबीआई ने छूटते ही खारिज किया और बयान जारी किया। सीबीआई ने अपने बयान में कहा, सीबीआई अपने ऊपर लगे आरोपों की कड़े शब्दों में खंडन करती है। मनीष सिसोदिया से वैध और पेशेवर तरीके से सवाल पूछे गए, जांच के दौरान जो सबूत मिले उसी के आधार पर पूछताछ हुई। सिसोदिया के बयानों की जांच होगी और आगे कार्रवाई होगी। सिसोदिया को ना कोई धमकी दी गई, ना ही कोई प्रस्ताव दिया गया। आगे भी इस केस की जांच कानून के मुताबिक ही होगी। सिसोदिया ने आमने सामने वाली पूछताछ और सवालों के बारे में कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि केस फर्जी है। उन्हें गुजरात में चुनाव प्रचार से रोकने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। सवाल यह है कि अगर केस फर्जी है और सीबीआई उन्हें गुजरात में प्रचार से रोकने का षड्यंत्र कर रही है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने से किसने रोका है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गुजरात के लिए रवाना हो गए हैं मनीष सिसोदिया, वहां पर क्या माहौल है सीधा गुजरात का रुख करते हैं। हितेन मिठलानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेन, कल 9 घंटे की पूछताछ के बाद और उससे पहले दिल्ली की सड़कों पर जिस तरीके से हल्ला बोल करते हुए आम आदमी पार्टी के तमाम नेता नजर आए, अब गुजरात पहुंच रहे हैं, वहां क्या माहौल? देखिए, 2 दिन के गुजरात दौरे पर मनीष सिसोदिया आपसे कुछ देर बाद अहमदाबाद टर्मिनल 2 पे लैंड हो जाएंगे। 12 बजे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अहमदाबाद में सिसोदिया की तरफ से रखी गई है। हालांकि देखिए, जो कल देखने मिला वही ड्रामा फिर एक बार देखने मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई मनीष सिसोदिया के पूरे बयान को जो है वो खारिज कर चुकी है, उसके बाद भी अगर राजनीतिकरण उसके इस पूरे के पूरे शराब घोटाले का अगर होता नजर आता है तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि चुनाव है तो कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी की जा रही है। हालांकि देखिए, बीते दिनों आम आदमी पार्टी बुरी तरह गिरती नजर आई, जगह जगह पर विरोध होता नजर आया, हिंदू विरोधी साबित हो चुके थे। जिस तरीके का राजेंद्र पाल गौतम का विवाद था, या फिर यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है गोपाल इटालिया, उनके जो पुराने वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसे देखते हुए कहीं ना कहीं जगह जगह केजरीवाल को भी विरोध का सामना करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं ये उसी समय पे सीबीआई का मनीष सिसोदिया को बुलाना एक कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक नए जीवन दान। ठीक है, और इसी बीच एक बड़ी खबर जो मिली है उसकी तरफ रुख करते हैं। बड़ी खबर यह, सुबह 10:30 बजे आने की आपसे कुछ ही देर के बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मनीष सिसोदिया के झूठ का पर्दाफाश करूंगा, ये कहना है कपिल मिश्रा का। केजरीवाल सिसोदिया की लूट और झूठ का ड्रामा है। अपडेट्स के लिए लगातार हितेन मेरे साथ बने हुए। हितेन, आपने देखा किस तरीके से बार पलटवार ये चल रहा है, लेकिन अब कपिल मिश्रा की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एक बार फिर से कह रहे हैं बड़ा खुलासा करूंगा, आम आदमी पार्टी का झूठ जो है उसका पर्दाफाश होगा। देखिए, इसके पहले भी शराब घोटाले को लेकर 2 स्टिंग ऑपरेशन बीजेपी जारी कर चुकी है। अब कपिल मिश्रा जिस तरीके से पहले आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हुए थे, उसके बाद वो आम आदमी पार्टी की नीतियों को देखा, उसका विरोध करते हुए धरने पर बैठे और अब बीजेपी में जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया को करीबी से जानने वाले नेता है तो कुछ बड़ा खुलासा जरूर करेंगे। हालांकि किस बात का खुलासा करने जा रहे ये इसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन वार पलटवार की इस राजनीति में जिस तरीके से एजेंसी पर सवाल खड़े किए मनीष सिसोदिया ने और कहा कि एजेंसी दबाव बना रही है कि बीजेपी में जुड़ जाओ, मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो ठीक उसी तर्ज पर बीजेपी भी अब मनीष सिसोदिया की एक नई पोल जो है वो खोलने जा रही है। ठीक है, और एक तरफ देखिए आम आदमी पार्टी कल ये कह रही थी कि हम तो क्रांतिकारी है, हमें झूठ में फंसाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है ये क्रांतिकारी नहीं है, ये भ्रष्टाचारी है। बहुत बहुत शुक्रिया इतने हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल दसका दंगल में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, कहीं मत जाइए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।